हे गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है कूपे एसयूवीज़। और इसकी शुरुआत तब हुई जब मैंने लास्ट वीक देखा कि सिट्रॉन ने अपनी कूपे एसयूवी लॉन्च की है, जो कि इसका नाम है बसाल्ट। ओके, सो मैंने इस कूपे एसयूवी इंडस्ट्री को बहुत पहले से फॉलो किया है। लाइक आई एम बीन फॉलोइंग फॉर लास्ट 25 ईयर्स। ओके, एंड पर्सनली व्हेन आई वाज इन यूएस, जब मैं यूएस में था तब भी मैंने ये देखी थी गाड़ियाँ वहाँ पर। सो रिसेंटली अभी बाई टर्बो मीडिया ने भी इसके बारे में एनालिसिस दिया है, बट मेरे एनालिसिस पॉइंट्स उनसे थोड़े भिन्न हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। सो हाउ आई विल शो यू। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री। सबसे पहले, सो व्हाट इज़ अ कूपे? एक्चुअली कूपे एक ऐसा स्टाइल होता है जहाँ जो पीछे का जो रियर एंड है कार का, वो ट्रंकेटेड होता है। इट्स वेरी स्लीक डिज़ाइन। नॉर्मल सेडान्स में क्या होता है, वो नीचे आता है फिर पीछे की ओर स्ट्रेट होता है, बट ऐसा नहीं। कूपे इज़ लाइक यू नो स्पोर्ट्स कार टाइप ऑफ ए वेरी स्लीक डिज़ाइन, जो कि टेपर्ड होता है पीछे की ओर और कट होता है। सो इट इज़ लाइक अ फास्ट बैक भी बोलते हैं कुछ लोग। ओके, ऑक्टेविया की एक फास्ट बैक आती थी जो प्योर नीचे तक जाती थी रियर में, पीछे का डोर आप अलग से खोलते। तो ये 1970s में रोवर की एक कार थी, रोवर जो कि MG रोवर कंपनी की, जिसका एक कूपे वर्षन मैं दिखा रहा हूँ। सो दिस वॉज स्टार्टेड इन अराउंड, वैसे तो ये बहुत पहले से है। कूपे इज लाइक हॉर्स कैरेज ड्रॉन टाइम से कूपे कहा जाता है एक पर्टिकुलर स्टाइल की कार्स को, और 1940s-50s से हुआ, बट टू डोर हुआ करता था। बाद में ये 5 डोर कूपे हो गया। फिर वो फोक्सवैगन ने 1970s में ये स्मॉल कार लॉन्च की, इसका नाम कुछ या सिकोरो सिरोको है। सो दिस वॉज वन ऑफ देयर कूपे कार्स। अब इसके बाद फोक्सवैगन ने 2009 में CC लॉन्च की थी, जो कि मैं इस कार को ओन करता था। तो ये 4 डोर कूप है, तो इसमें देखिए कूप का डिज़ाइन है लेकिन इसमें 4 डोर्स है, नॉट द 2 डोर जैसा कि आप पोर्शे के स्पोर्ट्स कार में देखते हैं। ओके, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी 4 डोर कूप की? अभी लेटेस्ट टाइम में मर्सिडीज ने। तो मर्सिडीज़ की जो CLS थी वो बहुत स्लीक हुआ करती थी और ये लगती थी स्पोर्ट्स कार जैसी, बट ये कूप है बट ये 4 डोर है। ओके, सो ये फोक्सवैगन और मर्सिडीज़ ने 2010 के टाइम में ये गाड़ियाँ लॉन्च की। लेकिन जो सबसे पहली जो कूप लॉन्च हुई थी स्पोर्ट्स, जो SUV कूप जो बोलते हैं, जो SUV टाइप है, वो सबसे पहले हाल ही में, मतलब रीसेंट टाइम्स में 2001 में लॉन्च की थी जनरल मोटर्स की ब्रांड पॉन्टियक ने। पॉन्टियक की ये गाड़ी का नाम था एस्टेक, जो कि बहुत ही अगली लुकिंग हुआ करती थी। लोगों का कहना था कि ये बहुत ही ज़्यादा दिखने में अगली है, स्पेशली सामने से। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको इतना मतलब गंदा रिव्यू क्यों दिया जाता था। देख सकते हैं कि ये दिखने में बहुत ही अगली था, तो इसमें कुछ सामने का कुछ BMW टाइप, ऊपर फिर अलग से नोजल्स, और ये तो ये डिज़ाइन उस समय 2001 में इट वाज कंसीडर्ड वेरी अगली, कुछ अलग सा ही लगा। तो इसलिए ये गाड़ी ज़्यादा चली नहीं, लोगों ने इसकी खूब खिल्ली उड़ाई। और फिर उसके बाद 2005-2006 टाइम में ये आई थिंक तब तक ये बंद भी हो चुकी थी। ओके, मैंने इसे US में भी देखा है व्हेन आई वाज देयर इन US। ओके, तो ये था द स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न यू नो SUV कूपेज। ओके, अब इसके बाद प्रीमियम कार मेकर BMW ने अपनी कूपे SUV लॉन्च की, जो कि सबसे पहली थी X6। नाउ इसको BBC के जर्मी क्लार्सन ने ये टेस्ट किया और ये पाया कि ये कार जितनी कंफर्टेबल नहीं है और SUV जितनी यूजफुल नहीं है। SUV जो कि लैंड रोवर आप समझ लीजिए, और कार जो कि आप समझ लीजिए कोई सेडान ले लीजिए। तो ये इसमें कंफर्ट कार्स के जितना, सेडान्स के जितना नहीं था, और यूटिलिटी SUVs की बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि ये पूरा कार जैसा ही था। तो इसका मतलब ये होता कि ये जस्ट आपने एक स्पोर्ट्स कार को ऊपर उठा दिया है बड़े चक्के डाल के। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रीमियम काइंड ऑफ कार इन द मार्केट एट दैट टाइम, 2008 में। अब इसके बाद होंडा की जो प्रीमियम ब्रांड है एक्यूरा, तो ये इंडिया में नहीं है, ये US में है। तो व्हाट दे डू इज, दिस इज अ लेदर क्लैड एंड अ बिट मोर फीचर रिच वर्जन। थोड़ा सा ज़्यादा लेदर, थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स डाल के ये लोग कम्पीट करते हैं जर्मन लग्जरी कार से, बट एक्चुअल में ये उतना वैल्यू नहीं है इनका, इनका ज़्यादा मार्केट है नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये होंडा का प्रोडक्ट है, तो इट डजेंट रिलेट टू दैट मच ऑफ लग्जरी। ओके, सो ये उन्होंने लॉन्च की थी 2009 में। अब ये भी बहुत बड़ा फ्लॉप मॉडल था, क्योंकि देखिए ये ना ना कार जैसी दिखती है, ना SUV टाइप दिखती है, कुछ एक बीच का
मामला हो जाता है। तो इसीलिए ये भी यू नो बहुत जल्दी मार्केट से निकल गई है। देखिए सामने से इस तरह से दिखती थी, जब दिखने में कुछ खास नहीं, कुछ अजीब ही सा बना रखा है इस टाइप से लगता था, तो इसे भी हटा दिया गया मार्केट से बहुत जल्दी। अब उसके बाद इन सबसे इंस्पिरेशन लेते हुए BMW X6 फिर भी चल रही थी, क्योंकि दैट वाज नॉट देयर मेन प्रोडक्ट, बट स्लो कम नंबर्स में वो बिकती आ रही थी। अब मर्सिडीज ने भी सेम लॉन्च किया, उनके जो सी क्लास है, ई क्लास है, SUVs की जो क्लासेस है, राइट, GLC, GLE, उनका ये कूपे वर्षन निकालने लगे। तो जैसे भी आप देख रहे हैं कि अभी भी ये 72,000-73,000 में है अवेलेबल, मैंने इसे देखा, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी सुंदर इन्होंने करने की कोशिश की थी, काफ़ी मस्कुलर और स्पोर्टी स्टाइल। तो इसमें देखिए कूपे वाला लुक है पीछे, और ये एक एक्चुअली ऐसा लगेगा कि एक स्पोर्ट्स कार को ऊपर उठा के उसमें बड़े चक्के डाल के यू नो थोड़ा मस्कुलर बना के, तो ये दिखने में तो अच्छी है। मतलब मुझे पर्सनली आप पूछोगे कि अगर मेरे पास इतने 1 करोड़ की जितनी अगर पैसे हैं तो मैं शायद यही प्रिफर करूँगा, ओके, एज अ पर्सनल चॉइस, ओके, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन। ये कुछ अजीब सा लगता है, इट्स नॉट अ प्रॉपर SUV, नॉट अ प्रॉपर कार, अगेन आई एम सेइंग, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, इससे प्रीमियम सेगमेंट में भी ये ऐसा नहीं है कि कूपेज है नहीं, जैसे कि पोर्शा की तो ऑलरेडी सभी कार कूपे ही हुआ करती थी, तो उन्होंने जब SUV बनाई कहने पहली, तो ये भी एक तरह से इसका भी स्लोपिंग एंड है पीछे, और ये इसे कूपे SUV ही बोला जाता है, ओके। अब जो SUV मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये उरुस है, बहुत पॉपुलर है बॉलीवुड में, और ये मेरा ही वीडियो है, तो मैंने इसे यू नो फिल्म नगर में देखा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम, क्योंकि लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार बनाती है, तो इसलिए उन्होंने जब ये SUV बनाई तो ये देखिए इसके पीछे का जो है ये पूरा कूपे टाइप का डिज़ाइन है। तो ये हाई एंड है, काफ़ी हाई एंड, 2-2.5 करोड़, कॉमन मैन के रीच के बहुत बाहर है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं इनसे रेंज में, तो अगर आप देख रहे हैं कि यू नो 40-50 या 30 लाख के रेंज में, तो किया ने बहुत अच्छा ये बनाया है। किया की मैंने ये, इसके भी वीडियो मैंने डाला था अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं ये कैसी लगती है रोड पे, बहुत सुंदर डिज़ाइन है इसका भी, और ये भी सेम वही कूपे कॉन्सेप्ट को लेते हुए SUV काइंड ऑफ अ कूपे जैसा है, बट ये थोड़ा ज़्यादा और SUV टाइप लगता है, ये मतलब ना हैचबैक काइंड ऑफ अ कूपे है, ये सेडान टाइप ऑफ कूपे नहीं है, ये हैचबैक टाइप, तो इसका डिज़ाइन फिर भी थोड़ा अच्छा लगता है, ओके। नाउ अब टाटा ने, अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। तो रिसेंटली क्या हुआ कि एक दो या दो साल पहले टाटा ने अपनी एक कर्व ऑटो शो में दिखाया, ओके, जिसकी प्राइस आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड है 15-20 लाख। अब ये क्या है इस सेगमेंट में, जो कि 15-20 लाख सेगमेंट में ऐसी कोई कूपे SUV वाली गाड़ी है नहीं अभी तक। तो और टाटा की अभी जो पंच है काफ़ी सक्सेसफुल गाड़ी है, द बेस्ट सेलिंग आई थिंक स्मॉल हैच, इट हैज टेकन द लीड इन सेलिंग इन नंबर्स, इट हैज़ बीटन मारुति ऑल्सो। तो अब वो लोग क्या है कि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल के उसमें आ गए, तो ठीक है, तो इसी टाटा मोटर्स के एक्सपेरिमेंट के चलते इन्होंने ये कूपे SUV टाइप का कुछ बनाया है। तो ये एक्चुअली यू नो इट्स अ गैम्बल, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये हिट होगी, हालांकि लोगों ने काफ़ी इसके प्रति काफ़ी अप्रिशिएट किया है इस डिज़ाइन को, क्योंकि ये उरुस से मिलता जुलता है, सो यू कैन थिंक दैट कि पीपल ले भी सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नई कार लॉन्च होती है ना, ऑल द जर्नलिस्ट एंड ऑल दैट दे शुगर कोट एवरीथिंग, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, वो क्या लग रही है, लेकिन एक्चुअल जब पब्लिक डिसीजन देती है उसके बाद ही पता चलता है कि वो सक्सेस है या फेलियर। सो दैट्स वेयर आई डिफर फ्रॉम बाई टर्बो मीडियाज कमेंट दैट इट कैन बी अ सक्सेस, इट कैनॉट बी, बिकॉज देखिए अभी सिट्रॉन ने तो अपनी बसाल्ट लॉन्च कर दी सेम, विच इज एग्जैक्टली द सेम डिजाइन, ओके, विच लुक्स वेरी गुड ऑल्सो, लेकिन होता क्या है ना, फैमिली में यू आर नॉट द ओनली डिसीजन मेकर, ओके, बिकॉज वाइफ, चिल्ड्रन, एल्डर्स, दे ऑल हैव सम से, ओके, एंड द थिंग विच स्टैंड्स आउट ऑफ द क्राउड इन अ डिफरेंट, इन अ वेग मैनर, यू नो, विट इज नॉट देयर लाइक अ प्रॉपर कार और लाइक अ प्रॉपर SUV, तो उसका जो यू नो डिजाइन आस्पेक्ट है वो हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपने अभी बड़े कार को देखते हुए आपने एक छोटी कार, सस्ती कार लॉन्च कर दी और हो सकता है वो डिज़ाइन के बलबूते पर सक्सेस हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके, इट देर आर मेनी थिंग्स विच पीपल कंसिडर, ओके, समटाइम्स कंजर्वेटिव कार्स आर सेलिंग मोर, द पीपल डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑल्सो, दे वॉन्ट ए प्रॉपर SUV स्टाइल और दे वॉन्ट ए प्रॉपर सेडान स्टाइल। सो ये जो है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये बेट है, ये गैम्बल है, आई एम नॉट श्योर ये कितना सक्सेस होगा, ओके, आई कैनॉट कमेंट ऑन इट, वील हैव टू सी द सेल्स फिगर्स एंड देन ओनली वी कैन नो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, ये पूरा हिस्ट्री था कूपे का और कैसे
टू डोर से फोर डोर कूपे हुए, फाइव डोर कूपे हुए, फिर कार्स ने कूपे स्टाइल को अपनाना चाहा। अभी भी BMW की जो GT रेंज है वो कूपे ही है, एक तरह से फोर डोर कूपे में आती है। ओके, और ये अभी जो नए एंट्रेंट्स हैं इसमें, जैसे टाटा हुआ और सिट्रॉन हुआ, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक एक्साइटिंग रहेगा, पीपल को नया ऑप्शन तो ज़रूर मिला है, बट सक्सेस की गारंटी अभी भी नहीं है बिकॉज ऑफ द वियर्ड क्वर्की डिज़ाइन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।